नमस्कार, मैं हूं देवांशी मुइत्र। सत्ता एक नशा है, जिसने पा लिया वो छोड़ना नहीं चाहता और जिसने नहीं पाया वो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आपको अंदाजा नहीं तो अपने अगल बगल के राज्यों और पार्टियों पर नजर दौड़ा लीजिए, हमारी कही हुई बात सही साबित होगी। लेकिन छोड़िए इन सब बातों को और ये देखिए कि महाराष्ट्र में सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने वादे याद दिलाने की बात कर रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले शिवसेना की तरफ से की गई और कहा गया कि सीएम तो शिवसेना का ही होगा। फिर एक बयान आया कि बीजेपी ये याद करे कि समझौता 50-50 का हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत कई नेताओं ने शिवसेना के लिए बैटिंग की, लेकिन शिवसेना के सारे सवालों का जवाब पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर उद्धव ठाकरे और पार्टियों के सीनियरों की हवा निकाल दी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। फडणवीस यही नहीं रुके और आगे कहा कि शिवसेना की मांगों पर मेरिट के आधार पर विचार हो रहा है, हमारे पास कोई प्लान बी या सी नहीं है, ये बात पक्की है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। इतना कहना था कि शिवसेना के किले में सन्नाटा छा गया और सभी बड़े नेता बगले झांकने लगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से आए इस बयान को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यूं ही नहीं आया। इससे पहले शिवसेना ने बीजेपी को ब्लैकमेल करने के लिए सामना में एक लेख लिखा और कहा कि शिवसेना के पास महाराष्ट्र में कई और विकल्प। कहा जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी काफी आहत महसूस कर रही है। इसी का नतीजा है कि पूर्व सीएम ने शिवसेना को इतना कड़ा जवाब दिया है। यहाँ पर एक बात बता दें कि महाराष्ट्र सीएम को लेकर शिवसेना इस बार काफी आक्रामक है। सीएम पद को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास ना ही दुष्यंत है और ना ही मेरे यहाँ से कोई जेल में है। जेल हुए है, आपका प्रीपोल अलायंस है बीजेपी के साथ, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है सत्ता स्थापन करने में? हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में इमीडिएटली जो है वो सत्ता भी स्थापन हो गई, शपथ। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है यहाँ? कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम हैं जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया और चुनाव लड़े हैं, और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है कितनी पेचीदा हुई है ये आपको पता चलेगा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आने वाले थे, अब ऐसी खबरें वो नहीं आ रहे हैं। दो कमेटी के लोग जो है वो आएंगे और ऑब्जर्व करेंगे। शिवसेना को बीजेपी जो है वो सबक सिखाना चाहती है, ऐसी खबरें आ रही है। कौन किसको सबक सिखाएगा? सत्ता से दूर रखना कोई सबक होता है? अगर कोई हमको सत्ता से दूर रखना चाहते है, ये हमारे लिए ऑनर है। हमारा जन्म विपक्ष में हुआ है, सड़क पर हुआ है, हम सड़क की राजनीति करते आए हैं। सत्ता से दूर रखने के लिए अगर कोई साजिश करता है और वो भी जो गठबंधन में है जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये धर्म की राजनीति नहीं है। तो सुना आपने, बीजेपी को धमकाने के लिए शिवसेना किस स्तर की बात कर रही है और कह रही है कि अगर सीएम पद नहीं मिला तो मेरे पास विकल्प है और ये विकल्प है एनसीपी कांग्रेस। चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का जो रिजल्ट आया है उसमें शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिली है। दोनों पार्टियों को 161 सीटें मिली हैं, जिनमें बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। अब शिवसेना इस बात पर अड़ गई है कि वादे के मुताबिक बीजेपी को सरकार में 50-50 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का ऊंट किस करवट बैठता है। क्या दोनों दोस्त एक साथ आते हैं या शिवसेना 30 साल पुराना रिश्ता तोड़कर सीएम पद के लिए एनसीपी से हाथ मिलाती है?